दोस्तों, रॉयल तीन पत्ती में आप लास्ट एंड तक गेम खेल कर विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और लास्ट एंड तक आपको अकाउंट डाल के आपको विड्रॉल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले मई टेक्निकल पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, मैंने तीन पत्ती रॉयल ओपन कर लिया, और रॉयल ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको पॉइंट रमी में लेके जाता हूँ। लेके जाने के बाद 1 रुपीज़ पॉइंट मैं खेल लेता हूँ। 1 रुपीज़ पॉइंट खेलने के बाद डायरेक्टली आपके सामने कार्ड आ जाता है। कार्ड आने के बाद डायरेक्टली दो जोकर आ गए हैं। एक गेम प्ले खेलने के बाद आपको विनिंग करके मैं 100 रुपीज़ आपको विड्रॉल करके दिखाता हूँ। तो विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको लास्ट इंटेक पर बताऊँगा। तो ये देख लीजिए, दो जोकर आ गए। दो जोकर आने के बाद डायरेक्टली कुछ कहना नहीं है, एक नंबर को मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। तो एक नंबर को मैंने डिस्कार्ड कर लिया, तो मेरा एक दो कार्ड आ गया, तो मैं शो कंफर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलकर आप विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब आपको 8 कैश 100 रुपीज़ आपने 8 कैश कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलकर विड्रॉल कर लेना विनिंग करके। तब भी आप विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आप अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो विड्रॉल करने के लिए कुछ करना नहीं, आपको आपका बैंक अकाउंट डालना है, पूरा का पूरा नाम, पूरा का पूरा डिटेल, लास्ट इंटेक आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा मैं कैसे आपको डाल सकते हैं आप बैंक अकाउंट पूरा पूरा डिटेल। तो जोकर आ गया है, जोकर आने के बाद डायरेक्टली मेरा एक कार्ड आ गया, तो मैं शो कंफर्मली हो जाएगा मेरा। तो मैं 4 नंबर को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। 4 नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद 3 जोकर है और एक सीक्वेंस है, प्योर सीक्वेंस, और एक सेट भी है मेरे पास दो जोकर के साथ। ये देख लीजिए, जोकर के साथ सेट भी है। तो मेरा एक नंबर पर शो हो गया है, एक नंबर मैं ले लेता हूँ। एक नंबर लेने के बाद डायरेक्टली मेरा शो कंफर्म हो जाता है, तो फिनिश पे क्लिक कर लेता है। रेड कलर का नीचे फिनिश पे क्लिक कर लेना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मेरा कंफर्म शो हो गया है, तो डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना है। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं विनिंग हो गया हूँ 100 16। तो मैं विनिंग हो गया, तो मैं लीव टेबल मार लेता हूँ डायरेक्टली। लीव टेबल मारने के बाद 228 रुपीज़ मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है, और मैं विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। तो एड बैंक पे डिटेल पे क्लिक कर लेना है आपको, अकाउंट पे जाके एड बैंक पे क्लिक कर लेना है। तो इंटर योर नेम, मोबाइल नंबर, इंटर बेनिफिट, ईमेल आईडी, और ये मेरा पूरा का पूरा डिटेल मेरा ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो आपको ये पूरा का पूरा फिल करना होगा, तभी आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, मैंने UPI आईडी डाल दिया है मेरा। तो आप UPI आईडी या बैंक अकाउंट दोनों में से एक कौन सा भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं 110 रुपीज़ डाल देता हूँ, 110 रुपीज़ डाल देता हूँ, तो कंफर्म कर लेता हूँ। तो अमाउंट तो भी तो मिनिमम 100 रुपीज़ का अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हो। ये देख लीजिए, मिनिमम 100 रुपीज़, तो 110 रुपीज़ नहीं कर सकते, 200 रुपीज़ कंफर्म कर सकते हो। ये देख लीजिए, रिक्वेस्ट इज प्रोसेस काइंडली आफ्टर सम टाइम। तो आपको सेकंड या 1 मिनट के अंदर में आपका ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा ऑलरेडी पूरा का पूरा डिटेल। और अभी आपको मैं बैक करके दिखा देता हूँ। बैक करने के बाद डायरेक्टली आपको मैं, ये देख लीजिए, मैं डिटेल पे चला जाता हूँ, डिटेल पे चला जाता हूँ। तो ये देख लीजिए, 100 रुपीज़ विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। तो विड्रॉल पे चला जाने के बाद मैं अभी आपको डायरेक्टली फ़ोनपे में चला जाता हूँ। फ़ोनपे पे चला जाने के बाद डायरेक्टली आपको ऊपर एक मैसेज भी आ गया है फ़ोनपे का। ये देख लीजिए आपके सामने, TGN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल आ गया है। तो ये देख लीजिए, 100 रुपीज़ का मेरे पास डायरेक्टली फ़ोनपे के UPI थ्रू मैंने कर लिया था फ़ोनपे का, तो डायरेक्टली 100 रुपीज़ सक्सेसफुल हो गया था। तो ये देख लीजिए आपके सामने, ऐसे आप विड्रॉल कर लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।